ओह माय गॉड, मैं क्या लग रही हूँ गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये मिलिए मेरे पतिदेव से, जो कि कर रहे हैं अभी नहाने की तैयारी। और मैं जा रही हूँ छत पे, कपड़े की बाल्टी भरी हुई है तो सुखा के आती हूँ। कल दिखाया था ना आप लोगों को कितने कपड़े हो गए हैं। तो गाइस, रात को भी मैंने मशीन लगा दी थी, आपका फ़ोन आ रहा है। और फिर अब सुखा के आती कपड़े छत पे, और टाइम हो रहा है 9:15। ये मिल लो मेरे पति देव से। चलो गाइस, अभी चलते हैं छत पे। और ये देखो, मैं कल करवा के आई थी ना, तो मेरे फेस पे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाइस, छत पे कपड़े सुखाने गई थी और उसकी वीडियो भी बनाई थी, पर गलती से पता क्या हुआ, फ्रंट कैमरा ऑन था तो फ्रंट कैमरे से छत छत की वीडियो बनी है। तो अभी ये पहला राउंड था जो मैं 2 बाल्टी भर के कपड़े सुखा के आई हूँ। मशीन चल रही है अभी, फिर अभी और कपड़े सुखाने जाऊँगी। और आ गई नीचे, सोना उठ गया, उसको करवा देती हूँ नाश्ता, फिर ये जाएगा ट्यूशन। सोना गाइस, टाइम हो गए 12:10 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और साथ साथ चल रहे हैं मशीन। और खाने में बना रही हूँ मैं दाल पालक बनाई है मैंने, और सोना के लिए बनाई है गाजर मटर। तो अभी बस दाल पालक उबाल लिया, उसी में छौंक लगा रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस, दाल पालक रेडी हो रही है, यहाँ लग रहा है छौंक। प्याज टमाटर काट लिए हैं, और ये है कुछ किचन का हाल। ये गाजर मटर भी काट लिया मैंने। गाइस, हो गई हूँ मैं तैयार, और आप लोगों से मैंने बोला था कि 2 बजे निकल जाएंगे, पर 2 के बजाय बज गए हैं 3। आप लोग टाइम देख लो, 3 बज गए। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और सोना जा रहे हैं स्कूटी पे। मैं नहीं जा रहा। अच्छा, ये तो क्या, इसका बाबू भी जाएगा, मेरे से पंगे लेगा। तो गाइस, इसको लेके जा रही हूँ मैं मार्केट। और क्या ले रही थी यहाँ से, मैं भूल गई, रुमाल। यस गाइस, रुमाल ले रही थी। रुमाल भी हम सीक्रेट रखते हैं ना गाइस, कि कोई चोरी ना कर ले, इसलिए। तो गाइस, चलते हैं अभी मार्केट। और कौन सी मार्केट जा रहे हैं ये मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को वहीं पहुंच के, है ना गाइस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे वहीं पहुंच के। ओके गाइस, ओह माय गॉड, मैं क्या लग रही हूँ गाइस। तो चलो गाइस, अभी दे देते हैं इनको घर की चाबी और फिर चलते हैं। हंस क्यों रहे हो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। जी लग रही हूँ। अरे गाड़ी आ रही है, लो चाबी लो, चल। गाइस, निकल लिए हम अपने सफर के लिए, तभी मिलेंगे आपसे वहीं पहुंच के। ओके गाइस, तो करिएगा वेट, इतने हम पहुंच जाते हैं सरोजनी नगर। गाइस, वी आर गोइंग सरोजनी नगर फॉर सम शॉपिंग। और गाइस, यहाँ लग रहा है जाम, घर से निकलते ही जाम मिल गया सबसे पहले हमें। गाइस, पहुँच गए हैं हम सरोजनी नगर, और चश्मा मैं इसलिए पहन के आई थी क्योंकि इस हेलमेट में शीशा नहीं था गाइस, इसलिए। राइट। चलो गाइस, अब करते हैं सरोजनी नगर में थोड़ी सी शॉपिंग। ये भारी देखो, यहाँ पे लगी हुई है 100-100 रुपए में सेल वाले। चल ओ मम्मी, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं गाइस। ये रही सामने सरोजनी की मार्केट, और अभी शाम का टाइम और ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। गाइस, आ गए हैं मार्केट के अंदर, और अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो। ओए, कोट अच्छा लग रहा है, सुनाइए, देखते हैं गाइस अभी अंदर वाली, देखते हैं। गाइस, यहाँ मिल रहे हैं 200-200 रुपये में कोट, देखते हैं पहले कैसे हैं। ये देखो, लग तो अच्छे रहे हैं। ये हैं गाइस, ये मिल रहे हैं मफलर यहाँ पे 100 रुपीज, ओ सॉरी 150 में। ये लो भैया, ये देखो कलर इसके। चलो चलो, और अभी देखते हैं, नहीं चाहिए भैया तो
200 रुपए में मिल रहे हैं ये गाइस। ये यहाँ पे है 30 रुपीज में इयररिंग्स, तो मैं ले लेती हूँ। मुझे एक तो ये पसंद आया और बाकी अभी देखती हूँ। बाकी 30 रुपीज में अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे सारे। वही वो गिर गया, उठाइयो। देखो गाइस कितने मस्त मस्त है। चलो मैं देख लेती हूँ पहले। गाना अच्छा चल रहा है। बाकी गाइस देखो मार्केट में है बहुत भीड़ और वूलन कपड़े आए हुए हैं बहुत अच्छे। कैसे लगेंगे? सही है, बेकार है। सही है बेकार, एक चीज बोल। ठीक है, कुछ यूनिक से लेते हैं। एक ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। भैया नए नए डिजाइन क्या है, मतलब यूनिक डिजाइन क्या है? वो भी 30-30 रुपए में तो अच्छा बोला था। नहीं 30-30 वाले में बताओ। ये लो लो लो, ये लो लो, ये मल्टी कलर वाले तो पता नहीं ये वाले कैसे लग रहे हैं। और एक ये ले लेती हूँ। ओए ये तो ले लेती हूँ यार। अरे ये कैसे लग रहे हैं? दो ऐसे मैं पहनती नहीं हूँ। ओहो ऐसे पहन लेती हूँ। ये पहन, ये ले लूँ? ले लूँ क्या? नहीं ना, ये कोड़ी वाले हाँ ले लो, सारे ले लो, ये सारे की पैक कर दो इनके लिए। ये अच्छे लग रहे हैं। ये बताइए सुनो, नहीं भैया ये टंगे का कैसे वापस? ये कर दो भैया, ये 100 रुपए में तो कुछ नहीं लग रहे। 100 रुपए में, 100 रुपए में। चल उधर से देख कैसे भूखी हो रही है 100-150 रुपए में लेने के लिए। रहने दे, नहीं अच्छा लग रहा। ये कपड़े लेके 20 साल के बाद बन 40 के 40 ही रहे। मैं छोटी बच्ची हूँ ना, मैं बाल सफेद हो रहे हैं छोटी बच्ची। अच्छी लग रही है। गाइस अभी थोड़ा सा ही मार्केट घूमी थी और सोना मुझे बाहर भगा लाया है, कह रहा चलो घर चलना है। तो चलो गाइस अभी इसको भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं पहले। गाइस हम ढूंढ रहे हैं अपनी स्कूटी, अभी हम पार्किंग में खड़ी करके आए थे पर हमें मिल नहीं रही है। होम स्लीपर तो मैंने जहाँ पे स्कूटी खड़ी करी थी मैंने वहाँ से लोकेशन सेंड की थी, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं अभी हम। तो देखते हैं कहाँ पे मिलती है स्कूटी, तो जब मिलेगी तो आप लोगों को बताते हैं। चलो गाइस और शाम का टाइम भी हो गया, अंधेरा होने वाला है। गाइस फाइनली मिल गई हमारी स्कूटी गोल गोल घूमने के बाद। जो मैंने लोकेशन भेजी थी वो मैप ने हमें गोल गोल घुमा के वहीं दोबारा से वहीं पहुंचा दिया और अब पहुंच गए हम अपनी स्कूटी के पास। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से मार्केट से अपने घर के लिए। कैसे निकालेगा पूरा पीछे ले जाए इसको। यस 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 यू कैन डू इट। चलो 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 चलो, डिग्गी में से मेरी जैकेट निकालनी है। पर्ची कहाँ है? गाइस ये देखो सामने कितनी प्यारी लाइट लग रही है गाड़ियों की, पर ये जाम है। ये तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा ये जाम है ना। और गाइस घर जाके आपको बताएंगे कि सोना मेरे साथ गया था पहली बार
सरोजनी नगर मार्केट, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेफ्ट में रखिए, लेफ्ट में, राइट में गुड़गांव में रास्ता, गुड़गांव का रास्ता जाता है। नहीं नीचे नहीं उतारनी, फ्लाई ओवर में बीच में से रास्ता कट रहा है, तो लेफ्ट में रख। गाइज आ गए हैं हम घर और टाइम देख लो 6:30 बज गए। हम गए थे 3 बजे आना जाना और सरोजनी नगर घूमना, पूरा हुआ है 3.5 घंटे में। तो गाइज और अब मेरी ड्यूटी है, अब मेरी ड्यूटी है छत पे जा रही हूँ मैं, और छत से लाने हैं कपड़े मुझे जो कि सुबह फैला के आई थी। तो गाइज चलते हैं अभी छत पे। सुनो मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, इतने कहीं नहीं जाएगा अभी, ठीक है? चलो गाइस छत पे चलते हैं कपड़े लेने। गाइस सोना तो गया हुआ है शादी में, और खाना सुबह का रखा है, तो मैंने कोई खाना वाना बनाया नहीं है। सुबह जो दाल घिया बनाई, दाल पालक बनाई थी वो भी ऐसे कैसी रखी है, गाजर मटर बनाए थे वो भी, तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया। तो इतने में आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैं सरोजनी नगर से लाई थी, क्योंकि फिर बाद में मैं जो शॉपिंग करके आती हूँ वो दिखा नहीं पाती हूँ, तो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस सबसे पहले तो मैं वहाँ से लाई ये बैग, क्योंकि इसमें ना ये देखो मेरी ये जो साड़ियाँ फैली हुई है ना, ये सारी इसमें भर के नीचे अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ऊपर तो जगह है नहीं, तो नीचे जो अलमारी रखी है उसमें रख दूँगी। और अभी दिखाती हूँ इस बैग के अंदर क्या माल है। और ये बैग ना वहाँ पर बोल रहे थे 300 रुपये का, कोई 200 का, और मैं ला इसको 100 रुपये में। गाइस एक तो मैं ये रेड कोट लेके आई हूँ, ये मतलब ऐसे दिखा रही हूँ, जब पहनूंगी ना तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगी, ऐसे पूरी लुक नहीं दिखा रही अभी आप लोगों को। और एक ये जैकेट लेके आई हूँ मैं, और एक ये मफलर लेके आई हूँ, और क्या है इसमें, इसमें याद नहीं मुझे क्या है, ओ इसमें कैप लाई हूँ, 2 कैप। ये कैप भी वहाँ पे बोल रहे थे 200-200 की, पर हम शायद 100 या 120 की ऐसे कुछ लेके आए हैं। अरे इयररिंग्स भी थे यार मेरे, हाँ ये रहे। और ये मैंने जो वहाँ पे दिखाए थे ना 30-30 रुपये वाले इयररिंग्स, देखो ये लेके आई हूँ मैं, एक ये और अभी उलझ गए। तो गाइस एक ये था, ठीक है, और एक ये थे, ये एक इसमें उलझ गया है, और एक ये वाला था, और एक ये तो मैं सोच रही हूँ क्यों ही लाई मैं, इसका कोई यूज़ तो होगा नहीं, इससे अच्छा तो यही लग रहा है। तो बस यही थी गाइस, और ये 2, एक ये बैग, ये 2 वुलन कैप, बस यही खरीद के लाए हैं हम। तो गाइस यही थी बस मेरी सरोजनी नगर की शॉपिंग, और वहाँ पे मतलब वही ना, सोना के पैर में दर्द है तो उससे इतना चला नहीं गया, तो बस थोड़ी सी जगह ही हम घूमे थे, 2-4 दुकानों पे गए थे, फिर सोना ने बोला मम्मी चलो, तो मैं सोना का था पहला एक्सपीरियंस। और उसको पता नहीं था कि मतलब सरोजनी नगर मार्केट कैसी है, तो जब वहाँ गया तो एक वो था वहाँ पे लोअर, वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उसने ना रेट पूछा, तो उसका रेट था 700 रुपये। तो सोना ने पता ही बोला कि भैया 600 का लगा लो। मैंने बोला अरे पागल 600 का बोल रहा है तू। सोना को मतलब पता ही नहीं कि सरोजनी नगर में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, वो 600 में बोल के खुश हो रहा था। पर फिर हमने उन भैया से मैंने बोला, मैंने कहा भैया 300 का लगा लो, कह रहे नहीं अब तो 600 का दूंगा, तो हम छोड़ ही आए। वो वाइट कलर का लोअर था पर अच्छा था, फिर हमने लिया नहीं, मतलब भाव बढ़ गए थे उन भैया के, तो फिर हम छोड़ ही आए। तो गाइज यही था आज के व्लॉग में, तो बस अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, मिलेंगे कल आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना गाइज, मतलब सबसे पहले तो आप लोग देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ओके गाइज अब मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।